तू तैयार है? हाँ कैप्टन। कोमो स्टंप जल्दी रख और मिड ऑफ पर खड़े हो जा, जल्दी कर। भगवान का नाम ले और बॉल डाल। स्वामी क्लीन बॉल, और स्वामी पहले बॉल में। बहुत अच्छे स्वामी, बहुत अच्छे। आज से मैं तुझे टेड करके बुलाऊंगा। टेड? वो कौन है? अरे टेड दुनिया का सबसे तेज बॉलर। टोपी क्यों पहने हो? लाइन से क्यों बाहर हो? मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। सर प्लीज सर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मैंने ड्रिल किया तो शायद मर जाऊंगा। सचमुच सर। तुम्हें हुआ क्या है? आप मेरा कष्ट नहीं समझते, मुझे क्या बीमारी है वो भी नहीं पूछते। अच्छा बताओ क्या बीमारी है तुम्हें? सर कल सारी रात मुझे उन्मत्त प्रलाप हो गया था, डिलीरियम। डिलीरियम? पागल हो गए हो क्या? जाओ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। मैं तो सारी रात सोया भी नहीं, मुझे वो उन्मत्त प्रलाप हो गया, डॉक्टर ने भी कहा। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं, मगर तुम पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हो, इसलिए जाओ सर। इससे पहले कि मैं ना कहूँ भागो यहाँ से। थैंक यू सर। चामी, क्या है, क्या चाहिए? मैं तुझे 6 पैसे दूंगी, उसमें से 3 पैसे के मेरे लिए नींबू ले आना, बाकी के 3 पैसे तू रख ले। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है रे, मैं 10 गिनूं उससे पहले ही तुझे आना होगा। हाँ 10? इतनी जल्दी है तो खुद ही ले आओ। चामी कहाँ था तू? अभी खोल रहे थे ड्रिल क्लास, जल्दी। तूने ड्रिल क्लास था ना, भाड़ में गए तेरे ड्रिल क्लास और स्काउट क्लास, जल्दी क्यों नहीं आ सकता तू? तू ही बताना मैं क्या करूं कैप्टन। मैं क्या बताऊं, जब से नए बैट बॉल आए हैं तू 4 बार भी नहीं खेला उनके साथ, इसी तरह प्रैक्टिस करे तो जीत चुके हम मैच। राजम अब आया हूँ ना, प्रैक्टिस कर लूँ। तू बैटिंग करेगा, मैं बॉलिंग करता हूँ। तू बॉलिंग कर, मैं थक गया हूँ, 4 बजे से खेल रहा हूँ। ए स्वामी बॉलिंग कर। हाँ रुद्र स्वामी। स्वामी वो हमारा इकलौता बॉलर है, अगर मैच खेले ना तो पूरे 10 के 10 विकेट तुझे ही लेने होंगे। 10 के 10 मुझे? हाँ, बॉलिंग के लिए तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। बैटिंग भी कच्ची है हमारी। हाँ। अरे बैटिंग की तू फिक्र मत कर, मैं अकेला MCC के लिए 500-600 रन बना लूंगा। तू 500-600? हाँ कैप्टन साहब। आपको जानकर खुशी होगी कि यंग मैन यूनियन वालों ने हमारी ललकार को स्वीकार किया है। हे भगवान, पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है ना? नहीं, पर रविवार को YMU वालों का कैप्टन हमें मिलने आ रहा है। ठीक है।
हम यहाँ खेल सकते हैं। चलो तो हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं तुम्हें। जरा ठहर, इसका क्या मतलब है? बैट बॉल स्टंप्स इत्यादि अगर टूटे तो पैसे तुम्हें भरने होंगे। इस शर्त की क्या जरूरत है, हम तो अपने बैट बॉल से अपने इनिंग खेलने वाले हैं। पर स्टंप्स तो हमारे MCC के होंगे ना बच्चों। अगर स्टंप्स टूटे तो आधे पैसे हम भरेंगे, पर ये इत्यादि क्या है? इत्यादि अगर तुम्हारा MCC इतना कंगाल है तो हमारे YMU ग्राउंड पर खेलो। क्या कहा? बाकी की शर्तें मंजूर है ना, तो मैच की तारीख तय करेंगे। ठीक है, पर इसको संभाल लेना। हाँ मैं संभालूंगा। तो अगले रविवार को मैच खेले? 27 तारीख को। हाँ 27 को खेलेंगे। तो अगले रविवार को मैच तय हुआ। संभाल कर MCC, हम तुम्हारा कीमा बना देंगे। तू तो बिल्कुल अंग्रेज जेंटलमैन लगता है रे। हाथ मिला, शेक हैंड, वेरी गुड। आ जा बेटा। क्यों वेंकटेश, है ना मामला फिट? हाँ बिल्कुल हीरो लगता है ना, देख देख। पैसे दे दे फिर। सबर तो कर सैयद, पैसा कमाने तो दे इसे, और फिर नापा भी ठीक से नहीं है। टोपी देख टोपी, बैठती नहीं, और पूछ देख पूछ, बाहर निकलती नहीं ठीक से। ठीक है ठीक है। सैयद तगड़ी का भी नाप लेना, फुल पैंट चाहिए। भाई और भाइयों, आप सबका नसीब है कि भारत का सबसे बड़ा मशहूर बंदे रामा श्री हनुमान जी के गुरु श्री राम आपके सामने मालगुड़ी में काम करने आया है। बच्चा लोग ताली बजाओ, बजाओ ताली, रामा खुश हो जाएगा। ऐसा और खुश हो जा रामा, और लड़ाई पे जा। लड़की के पास जाता है? माफ करना मैम साहब, इन बंदरों की जात ही कुछ ऐसी है, लड़ाई बोले तो लकड़ी के पास चले जाते हैं। अरे लड़की पकड़, अरे लकड़ी पकड़, वे बंदूक पकड़ेगा रामा और लड़ाई पे जाएगा। आजा रामा आजा। रामू लड़ाई पे गया, रामू ने लड़ाई बड़े बहादुरी से लड़ी, मगर अफसोस दुश्मन की गोली रामू को लग गई। बाबा मुंडी, इसके दफन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे। शहीद के नाम पर पैसे देते, देश के लिए इसने अपनी जान तक दे दी, तुम दो पैसे नहीं दे सकते इसके लिए? राम के नाम पर पैसे दे बाबू, अल्लाह के नाम पर दे, यीशु के नाम पर दे अम्मा। पैसे नहीं तो चूड़ियाँ ही सही, चूड़ियाँ नहीं तो गले का हार ही सही, कुछ तो दे अम्मा। बाबा ओ पुड़ले। से देखो भाई और बहनों, जिंदगी और मौत का सवाल है। दिल थाम कर खेल देखो माँ जी, और बच्चा लोग ताली बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली। मेरा रामा, मेरा इकलौता बेटा इस आग में से कूदेगा, इस मौत के कुएं में अपना सर डालेगा, इसलिए माँ जी पहला पैसा खेल बाद में। 10 रुपए, वाह वाह, ताली बजाओ बच्चा लोग, भगवान आपको 10 बच्चे देगा माँ जी। भाई लोग, भाई लोग, दिल खोल कर पैसा दे दो, कंजूसी मत कर अम्मा, दिल खोल कर पैसा दे दो, क्योंकि मेरा रामा जान की बाजी लगाएगा और आप सबका दिल खुश कर डालेगा। ये लो बाबा। ले जा मेरे, बस इतने ही पैसे? इतने पैसों में आजकल घासलेट भी नहीं मिलता भाई लोग, पर मैंने अपनी जबान दे दी है, इसीलिए मेरा रामा इसी घासलेट की आग में से कूदेगा। आ जा रामा, आ जा। मेहरबानी मेहरबानी माय बाप, मेहरबानी, अब हमारा रामू आप सबको सर्कस सिखाएगा।
शादी का मौसम आ गया, हमारी बिटिया रानी भी ब्याह करेगी। बोल बिटिया, किसके साथ शादी करेगी? शर्माती है? आजा कान में बोल। क्या माफ कीजिए, कहती है सिस्टर मेसन से शादी करेगी। राम राम नेताजी। राम राम। माय बाप, हम आपके आभारी हैं। इलेक्शन में मालगुड़ी के इन महान नेता को आपने जितवाया। नेताजी ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। मालगुड़ी में बसा हुआ भ्रष्टाचार पूरा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नेताजी सिर्फ फल खाते हैं। फल के सिवा और कुछ नहीं खाते। अब मैं इन महान विद्वान से विनती करता हूँ कि वो अपने ऊंचे विचार आप सबके साथ बांटे। नेताजी शाम तक गिन सकेगा? आज जरावा तेरे को आज लड्डू खिला देंगे। सुना मणि, रामू के लिए 2 प्लेट लड्डू, नागा के लिए 1 गिलास दूध और हम लोगों के लिए 2 प्लेट पूरी, 2 प्लेट इडली और 2 प्लेट उपमा। उपमा है? हाँ है। और 2 पेस्टल कॉपी। हाँ। इतना सारा मिल रहा है तो चुपचाप खा ले रे, कल का किसको मालूम। क्यों बाबा? क्या क्यों मालूम नहीं? खा ले। ओए कुछ पूछो। क्या मली माँ? ओए है कुछ पूछो। क्या मली माँ? जामो जामो ओए है तू चु 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 डरने का नहीं। क्या नागा भी दोस्त है अपना, समझा? अंदर क्या है? सांप है। सांप बाहर निकल आए तो काटा तो? ऐसे कैसे निकल आएगा सांप? ये रस्सी देखी, रस्सी बहुत मजबूत है। डरते क्यों हो? मालूम नहीं तुम्हें, सांप के पूंछ पर पैर रखोगे तभी वो काटेगा। सांप को तो बांध के रखा है, पर इस बंदर का क्या? कौन संभालेगा इस हनुमान को? उतर जाओ। ओ माय बाप, आइए। हनुमान जी को संभालने की क्या जरूरत, खुद भगवान है, संभाल लेंगे। ठीक है ठीक है, जाना कहाँ है? मालगुड़ी। An 8-year-old boy from MP Hills survived an attack by a man-eating tiger. The boy climbed up the nearest tree and coolly threw sticks at it from the safety of the tree. The tiger, however, did not give up and guarded his prey till the early hours of the morning. Some villagers passing that way fell upon the animal and killed it. The courageous 8-year-old boy is now back with his family and is being given a certificate for bravery by the district collector. Dekha, kitni tarif ki hai iski himmat ki? Wo ladka bahut lamba, chauda, taakat wala hoga. 8 saal ka to ho hi nahi sakta. Maa, itna chota ladka शेर से कैसे लड़ सकता है? हाँ, ये अखबार वाले बेवकूफ हैं, तुम बड़े समझदार हो। अरे असली बात है हिम्मत, आदमी में शेर जैसी हिम्मत होनी चाहिए, वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है पिताजी? मान लो मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला हूँ, अगर कोई बड़ा शेर मुझ पे ठा करके हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ताकत चाहिए ना। ताकत? पहले ये तो साबित करके बताओ कि तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है या नहीं। है। क्या है? हिम्मत। इसका सबूत क्या है? है हिम्मत। अगर तुम में हिम्मत है तो रात भर मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकोगे? हाँ, ऑफिस में? हाँ। अकेले? हाँ। आज रात? हाँ, तो तय रहा, आज रात तुम वहीं सोओगे। स्वामी तुम अभी तक यहाँ हो, स्कूल नहीं जाओगे? जाऊंगा। माँ तुम्हें पता है हम अपने क्रिकेट क्लब में अपने से भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को मेंबर करने वाले हैं, हम उनके साथ भी खेलेंगे। पिताजी हम सब चीजें नहीं खरीदने वाले हैं, बैट बॉल स्टंप सब। कैप्टन ने कहा है अपने पिताजी से थोड़े पैसे। हाँ ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा। ये जगह तुमने ठीक से देख ली? आज रात से तुम्हें यहीं सोना है, अकेले
सोऊंगा पिताजी, जरूर सोऊंगा, कसम से, अगले महीने की पहली तारीख से। नहीं, आज रात से, समझे? क्या स्वामी? क्या हो गया स्वामी को? यही है वो जगह कलकत्ता, जहां से अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा। तारीख थी 31 दिसंबर सन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी शुरुआत यही हुई थी। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1700। स्वामीनाथन। हाँ सर। भारत में अंग्रेजों ने पहला कदम कहाँ रखा? मालगुड़ी सर। शांत रहो, शांत रहो, बेंच पे खड़े रहो, बेंच पे खड़े रहो। गौर से यहां देखो, यही है वो जगह कलकत्ता, समझे? जल्दी आ स्वामी, भाग कर, वहां भूत है, भूत भूत है। रहने दो, मैं उसके साथ भी क्रिकेट खेलूंगा। स्वामी, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैंने सचमुच एक भूत देखा है। पता है मुनस्वामी के पिताजी को क्या हुआ था? क्या हुआ? अरे कल रात वो बड़े पेड़ के नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे, उतने में एक भूत आया और जोर से थप्पड़ मारा और उनके मुंह से खून निकलने लगा। खून खून, हे भगवान, कब? कल रात 2:30 बजे। अरे अगर वो भूत मुझसे मिलता ना तो मैं उसे ऐसे मारता। मणि, देर हो रही है, घर चलना। चल चल। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे पिताजी ने कहा है आज से ऑफिस में सोया कर, वो भी अकेले। अकेला अब तो क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आता। उनके आने से पहले सो जा। स्वामी, जब वो अखबार पढ़ रहे होंगे ना तब धीरे से निकल जाना। स्वामी, ये वही पेड़ है जिसके नीचे मुनस्वामी के पिताजी को भूत ने मारा था। स्वामी, अंदर आओ, कल मिलेंगे। हाँ चल। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ गए थे? मुनस्वामी। मुनस्वामी? क्रिकेट। क्रिकेट? ऑफिस। ऑफिस। चलो चलो, मगर मेरी बात तो सुनिए। तुम उसकी तरफदारी मत करो, वो आज से अकेले ही सोएगा। 9 साल का हो गया, माया तुमसे लग कर सोता है। 5वीं कक्षा में पढ़ता है, समझी? दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप ये सब मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? वो मेरा मतलब है। देखिए, मैं उसे नहीं बिगाड़ रही, आपकी माँ उसे बिगाड़ रहे है। जो कुछ कहना है उसकी दादी से जाकर कहिए, मुझसे नहीं। चामी, हो चामी, बड़ी जल्दी सो गया रे आज, कहानी नहीं सुनेगा क्या? मुंह ढककर मत सोया कर राजा, फिर सांस कैसे लेगा? हैं? सच्ची सो गया क्या? दिया बुझा दो। मैं, तुम समझती क्यों नहीं, मैं इस समय सो रहा हूँ। घर को आग लग जाए तो भी मुझे बुलाना मत, कुछ भी हो उठाना मत मुझे। अगर मैं फॉरेन सो नहीं गया तो शायद मर जाऊंगा। अच्छा तो सो जाओ।